necessity is the mother of invention. When the two go together, when you have this creative spirit in you, this is what happens. वैसे तो 22 साल हो गए हमें काम करते हुए, 22 या 23 साल हो गए. और आप देखें ये तजर्बा गाह है. आप देखें बहुत सारी एनजीओस काम कर रही हैं, कोई हॉस्पिटल बनाता है, कोई यूनिवर्सिटी बनाते हैं, कोई आम तौर पे यही चीज़ें हैं, तालीम, हेल्थ, इस पे जोर है. हमारा बिल्कुल एक समझ लें कि वक्री टाइप का काम है. वो ये है कि शुरू दिन से इसमें रिसर्च है. रिसर्च किस चीज़ पे, हमने हमारा दायरा महदूद है, था, अभी नहीं है, पहले था. वो था कि कराची को कैसे साफ किया जाए, तो ये रिसर्च था. अब जब कराची को साफ करने की बात आती है तो इंसान सोचता है क्या बोर चीज़ है, यानी कि इतना गंद गलाजत, उसमें कौन जाएगा, कोई पागल ही होगा. क्योंकि ये छोटा काम नहीं था. उस वक्त भी मुझे एहसास, बहुत शदीद एहसास था कि मेरी ज़िंदगी सब इसमें ख़त्म हो जाएगी. अपनी सारी ख्वाहिशात, अपने फैमिली, घर बार सबको, बेशक वो उनको खुश तो करना है, लेकिन अगर वो नाखुश होते इस काम में तो उनको वो नाखुश होते. जब मैंने यकसू होके और स्टडी किया, एक साल मैंने सिर्फ स्टडी किया, मैं लाइब्रेरी में जाती थी, पढ़ती थी कि ये जो कचरा है इसको तलफ कैसे किया जाए, ये है क्या भला, क्या चीज़ है, उसको स्टडी किया. तो स्टडी करते करते पता चला कि भाई इसमें पैसा है. और अगर हमारे लोगों को ये समझ आ जाए कि इससे चीज़ें बनेंगी, इससे कारोबार होगा, पैसा आएगा, तो वो क्यों नहीं इसमें आएंगे. और फिर आपको कचरा नज़र ही नहीं आएगा, कचरा कुंडी की नौबत ही नहीं आएगी. ये मेरे इब्तिदा से ये मेरा फ़लसफ़ा रहा. और फिर आगे बढ़ती गई तो इसमें बहुत तकलीफ़ें थी, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगी जो जिससे मुझे कुछ सुकून आया, वो ये था कि नई इजादें होती गई, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक. ये चांदी टेक्नोलॉजी बहुत बाद में आई, उससे पहले तो ये था कि ये जो गीला कचरा है, सब्ज़ी के छिलके वगैरह, उसको तलफ करना है, क्योंकि वो तो उसमें तो बदबू आती है और बीमारी की जड़ है. तो उससे हमने कैटल फीड बनाना शुरू किया, और फिर हमने ठंडी मीठी खाद ईजाद की, और इस तरह से फिर आगे चलते चलते ये जो है फ्यूल पैक, ईंधन पैक बनाया, जिससे कि बिजली पैदा हो. देखिए, इस टेक्नोलॉजी की कामयाबी ये होगी कि इसको मार्केट किया जाए, और उसके लिए हमें चाहिए फाइनेंसर्स, इन्वेस्टर्स. बहुत लंबी चौड़ी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये तो काम कर चुके हम. मसलन हमने 3 लाख पे अभी तक कोई 27 लाख रुपया हम सूद दे चुके हैं. तो बजाय इसके कि सूद दें, जो कि गलत चीज़ है, गैर इस्लामी भी है, प्रॉफिट शेयरिंग बेस्ट होता है. तो इन्वेस्टर चाहिए जो खुद भी प्रॉफिट रखे, पैसा बनाए इस टेक्नोलॉजी से, और ये इस टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाए. उसमें हमारी ज़रूरत है, इस वक्त शदीद ज़रूरत है.